بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وكذلك الصلاة والسلام على أصحابه وعلى أزواجه وعلى أرواح بناته وعلى أتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة أو كما قال عليه السلام وفي رواية أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه السلام وصدق رسولك النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا وشفيعنا من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين صباح رات ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ رہے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد میرے واجب التکریم و تعظیم باہر سے آئے ہوئے بزرگان دین و مشائخ ملت و شرفاء ملت و دیگر قابل عزت جملہ محترم بزرگوں بھائی دوستو آج حضرت کی موجودگی میں مجھ جیسے ناچیز کی بات کرنا مجھ جیسے طالب علم کی بات کرنا مناسب ہے تو نہیں کہ ہماری محفل میں آج اللہ نے کرم کیا ایک بہت بڑے شیخ بہت بڑے بزرگ موجود ہیں انشاءاللہ العزیز چند باتیں وہ بھی ارشاد فرمائیں گے اور مراقبہ دعا بھی کروائیں گے بات تو اصل ایک اور بزرگ نے آنا تھا وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے لیکن وہ اچانک بیمار ہوئے وہ نہ آ سکے ہم نے کہا آج ہماری قسمت جاگ جائے گی بہت بڑے ولی تھے بہت بڑے بزرگ تھے اللہ نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے بہت بڑا رتبہ دیا ہے اور ہر میدان میں دیا ہے لیکن حضرت بیمار ہو گئے وہ نہ آ سکے تو میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں گزشتہ درس میں عرض ہو رہا تھا کہ جدید و قدیم سائنسدانوں کا اتفاق ہے اس بات پہ
कि कायनात के किसी न किसी टुकड़े में, चाहे वो बर हो या बार हो, पहाड़ हों, जंगल हों, आबादियां हों, वीराने हों, जो भी हों, कायनात के किसी न किसी टुकड़े पे हर लम्हा हर वक्त बारिश हो रही है। कौन कहता है? साइंसदान कहते हैं। अगर यही बारिश एक लम्हा के लिए भी रुक जाए तो कायनात ख़त्म हो जाएगी, साइंसदान कहते हैं। लेकिन कुरान और हदीस हमें दर्स देते हैं कि अल्लाह का जितना भी, चाहे वो बर्र है, बहर है, चाहे आसमान है, ज़मीन है, वमा बैनहुमा, आसमान ज़मीन के दरमियान जितने भी सब आलमों में अल्लाह और उसके महबूब की तारीफ हर लम्हा हो रही है, उसका नाम बुलंद हो रहा है। जब उसकी तारीफ और उसके नाम को बुलंद करना बंद हो गया तो दुनिया फिर नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। हदीस में भी इसी तरह आता है, सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु सा, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ अम्मो, फरमाए जब तक ज़मीन में, मैं और आप नहीं, अल्लाह वाले, जब तक ज़मीन में अल्लाह वाले अम्मो अल्लाह कर रहे हैं तो क़यामत कायम नहीं होगी। हर मैदान में, याद रखें, हर मैदान में उम्मत की फिक्र है, लेकिन तसव्वुफ़ के मैदान में जितनी, सिर्फ उम्मत नहीं पूरे आलम की जितनी फिक्र है वो किसी शोबे में नहीं है। पूरे आलम की फिक्र होती है तसव्वुफ़ के मैदान में, एक अल्लाह वाला पूरे आलम की खैर मांगने के लिए गड़गड़ाता है। एक मैं और आप इल्म मैदान में निकलते हैं, एक उस्ताद रात को रोता है, मेरे अल्लाह मेरे फलां शागिर्द को कामयाब कर दे। ये दीनी मदारिस में होता है, स्कूल में नहीं होता ऐसे। स्कूल में तो जो है आज उस्ताद ने पढ़ाया है, मारा है, तो बाहर गली में निकलेगा वही शागिर्द पिस्टल उस्ताद के, उस्ताद के सामने खड़ा है। मदरसे में उस्ताद को शागिर्द ने मारा है या नाराज हुआ है तो वो शागिर्द अगर उसमें पूछे हैं तो उसकी बाँह पे गिरता है कि अगर मैंने उस्ताद को राजी नहीं किया तो मुझे कुरान और हदीस नहीं मिलेगा। उस्ताद का एक मकाम होता है, एक रुतबा होता है। उस्ताद नौकर गुलाम नहीं होता है कि बस पढ़ा दिया है फिर उसके बाद नहीं। नहीं, फारूक आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु एक दिन, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कुटाणा कहते हैं, कुटाणे के सामने खड़े हो गए। साहबा ने पूछा, फारूक आजम आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खैर तो है, क्यों खड़े हो गए? हज़रत ने फरमाया मेरा उस्ताद है। कहा फारूक आजम कुटाणा और आपका उस्ताद? कहा जी मेरा उस्ताद है, इसने मुझे बताया था, मैंने इससे पूछा था कि कुत्ता कब बालिग़ होता है, तो इसने मुझे कुत्ते के बुलूग का बताया था तो मैं समझता हूँ कि ये भी मेरा उस्ताद है। जो कुत्ते के बालिग़ होने का बताया वो उस्ताद है, जो अर्श से अल्लाह का कुरान उतरा है वो आपको पढ़ाए तो वो उस्ताद नहीं है, उसका कोई मकाम नहीं है। होता है, मकाम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरस हदीस दे रहे थे, खड़े हो गए, सबक रोक दिया, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े रहे काफ़ी देर तक, फिर बैठ गए। अब दरस हदीस था, तलबा बोल भी न सके, जब सबक ख़त्म हुआ तो
तो उस्ताद से पूछा, उस्ताद हैं मोहतरम खैर तो थी? खड़े रहे खड़े रहे। कहा घर से मेरे उस्ताद का बेटा बाहर निकला है, वो खेल रहा था तो मैं उसके अदब में खड़ा रहा, जब तक ये घर नहीं जाएगा तो अबू हनीफा खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं। उस्ताद नहीं उस्ताद का बेटा, तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने मकाम दिया है तो कुरान व हदीस, मुख्तसर वापस आता हूँ, कुरान व हदीस का खुलासा ये है कि जब तक अल्लाह मोबाइल बंद कर दें, जब तक अल्लाह उसके महबूब की तारीफ तज़करा मदह दुनिया में हो रहा है तो क़यामत कायम नहीं होगी। तो ये कौन कर रहे हैं? अल्लाह वाले। अब मदारिस में भी उस्ताद रोते हैं, रात को तहज्जुद में दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह इनको आलिम बना दे, मेरे आका इन्हें कुरान का हाफिज बना दे, मेरे अल्लाह इनको वली बना दे वक्त का। तबलीग में भी तबलीग वाले रात को रोते हैं, मेरे अल्लाह हम फलां महल्ले में आए हैं, इनको हिदायत दे दे, या अल्लाह हम घर से निकले हैं, या अल्लाह हमारा निकलना कबूल कर ले। हर शोबे में यूँ होता है, लेकिन तसव्वुफ के शोबे में बस 24 घंटे यही काम है, मेरे आका उम्मत की सलाह कर दे और सारी कायनात को अपने से मिला दे, अपने से मिला दे। जिस तरफ भी जिस कोने पे अल्लाह के अजाब का फैसला होता है तो साहिब काश बुजुर्गों को जब मालूम हो जाता है तो उनकी नींद हराम है और रोने लग जाते हैं, मेरे आका मेहरबानी कर दे। उनको पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए कौन रो रहा है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया पे अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे होंगे। आज ये तस्करे इसलिए नहीं हैं कि हमारे अल्लाह का रुतबा बुलंद होगा, हमारे नबी का मकाम बुलंद होगा, नहीं नहीं, अब करें न करें अल्लाह बुलंद है। बोले उल्किबरिया व फिस समावाति वल अर्ज लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज, अल्लाह के लिए बुलंदियां हैं। मेरे नबी को हम जिक्र करें न करें, सबसे पहले पहले मेरे नबी के आला दर्जे के मद्दा हो अल्लाह आप खुद हैं, आप क्या करेंगे? कुरान भर दिया है, कुरान भर दिया है अल्लाह ने अपने नबी के तज़किरे से, और फरमा दिया है वरफाना। उलमा तुलमा समझते हैं अल्लाह ने वो लफ्ज़ बोला है, हम इसको सीगा कहते हैं, वो सीगा बोला है कि काम होगा, काम हो रहा है, आइंदा होना ना कर दिया है अल्लाह ने फरमाया। देखकर बुलंद कर दिया है महबूब, कोई आपका तज़किरा करे ना करे परवाह नहीं है, मैंने आपको बुलंद कर दिया है, अल्लाह ने बुलंद कर दिया, और ऐसा बुलंद कर दिया, ऐसा बुलंद कर दिया। उस तरफ होते जाएं, उस तरफ थोड़ा, उस तरफ उस कोने को भरते जाएं ताकि रास्ता खोलें, उस तरफ थोड़ा हो जाएं और ये थोड़ा इस तरफ हो जाएं ताकि रास्ता खुल जाए। आप देखें ऐसा अल्लाह ने बुलंद किया और ऐसा तारफ किया दुनिया वालों को, जन्नात को, इंसानों को तो तारफ कराना पड़ता है ना कि भाई तबलीग करो, इलम पढ़ाओ और इन्हें बताओ हमारा अल्लाह कौन है, हमारा नबी कौन है, कुरान क्या कहता है, नमाज क्या होती है, बताओ सिखाओ ना इन्हें, इन्हें बता दो, इन्हें सिखा दो ताकि इन्हें तालीम हासिल हो जाए, इन्हें पता चल जाए। तबलीग पे भी इसलिए निकला जाता है ना ताकि जो नहीं मानता वो अल्लाह को मान जाए, जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह की मान जाए। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की आज तक हमने नहीं मानी है, मनमानी अपनी कर रहे हैं,
अल्लाह की हम नहीं मान रहे, पहले अपने वजूद पे नज़र दौड़ाएं कि हमारे वजूद में अपने नबी की कितनी सुन्नतें हैं। ये मेरे नबी की शक्ल है या किसी गैर की शक्ल है? मैं चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रहन सहन मामला क्या हैं पता नहीं है। दुनिया की दौड़ हमने लगा दी है, आज हम के बैठे हैं, हजरत तशरीफ फरमाए, इंशाल्लाह हजरत की मौजूदगी ही हमारे लिए काबिल फ़ख्र काबिल बायस है, इंशाल्लाह हमारी मफरत होगी। जिस तरह के आज दौर में वो है ना, वोटों का जोर है ना, कोई पैसे ले रहा है, कोई गली लेने आया है, कोई थम्बा पोल लेने आया है, कोई ट्रांसफार्मर लेने आया है, हम इंशाल्लाह अल्लाह के घर में आए हैं अल्लाह को लेने आए हैं। किसको लेने आए हैं? हमें गली की नहीं, ट्रांसफार्मर की नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह इस सीज़न में। जब एक पहलू भी फरिश्ते रिपोर्ट ले जाएंगे अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, लेकिन फाइल ले जाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, या अल्लाह ये वोट मांगने वाले हैं, गली मांगने वाले हैं, ट्रांसफार्मर की चाहत वाले हैं, ये मस्जिद में इकट्ठे थे, ये आपकी चाहत कर रहे थे, वो रहमत वाले बख्श देगा इंशाल्लाह, बख्श देगा ना इंशाल्लाह, करीम आका है। तो खैर, इंसान को पहचान करानी पड़ती है कि मेरा नबी कौन है। हमारे मुसलमानों को हमारे नबी का नाम भी नहीं आता आज तक, आए तो मजाक की बात, अल्लाह माफ़ करे, हमारा अपना रिश्तेदार है तो उसके सामने जब ये बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि लाडले मोहम्मद रसूलुल्लाह जे अल्लाह के कौन होते हैं? अके अल्लाह का पितरे रहे, अस्तग़फिरुल्लाह, ये कुफ्र है, हमें इतनी तमीज़ नहीं है, हमें इतना पता नहीं है हम मुसलमान कैसे हैं, अभी इतना पता नहीं है, अल्लाह का पता नहीं है, अल्लाह के नबी का पता नहीं है, खालिक का पता नहीं है, मखलूक का पता नहीं है, करेंगे क्या? तो मैं अर्ज़ कर रहा था सिर्फ खाली जिन्नात हैं, इंसान हैं, जन्नत भी इनके लिए, इनामात भी इनके लिए, होरे भी इनके लिए, अनहार भी इनके लिए, सौ इनामात भी इनके लिए हैं, इन्हें पता ही नहीं है। आप दूसरी मतलब से पूछो, कुरान कहता है वलहु अस्लम मन फिस समावात वल अर्ज़, कायनात सारी को तबलीग नहीं की गई, आसमान को, जमीन को, दरिंदों को, परिंदों को, कुत्तों को, लेकिन ये अल्लाह को भी जानते हैं, अल्लाह के महबूब को भी जानते हैं। पिछले हफ्ते में हदीस पढ़ रहा था जिसके रावी सैयदना हजरत अबू हुरैरा थे, वहाँ पे बयान था कि शेर जब सुबह सवेरे उठता है तो अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लितनी, ऐ आका मुझे किसी अपने प्यारे नेक बंदे पे मुसल्लत ना करना। वो अल्लाह को भी जानता है, दुआ करना भी जानता है, और नेकों को भी जानता है, सहाबा को भी जानते हैं, तभी तो हजरत सफीना को पीठ पे उठा के कमर पे उठा के ले गया था। सहाबा को भी जानते हैं, सहाबा ऐलान करते हैं अफ्रीका के जंगलों में कि जंगल खाली कर दो, हम नबी के गुलाम हैं, सहाबा फरमाते हैं खुद देखो बच्चे उठा के ले जा रहे थे, उन्हें पता है, उन्हें तारुफ है, तारुफ है, उन्हें पता है। इब्राहिम इब्ने आदम शेर की झाड़ी में जाते हैं, शेर ने खुरखुराई, हजरत फरमाते हैं मैं घबरा गया कि रात कैसे गुजरेगी, थोड़ी देर में शेर आया तो शेर ने जूं ही मुझे देखा तो सुकड़ के बैठ गया और पता नहीं क्या कहा अपनी बोली में, शेरनी को कहा तो वो दोनों खामोश रहे, मैंने पूरी रात शेर की झाड़ में गुजारी, गोया कि वो मेज़बान थे मैं मेहमान था, कुछ भी नहीं कहा है मुझे, जानते हैं तारुफ है। गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ किया ना कि मंगोलों के सरदार ने मेरे नबी की गुस्ताखी की,
अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी की, तो साथ बना हुआ कुत्ता वो भरभराया। जब दूसरी मरतबा, मुख्तसर करता हूँ, जब दूसरी मरतबा गुस्ताखी की तो कुत्ते ने जंजीर था, रस्सी थी, जो भी था, चुर्रत से जोर लगा के उसको तोड़ के मंगोल सरदार को यहां से पकड़ा। अगर इंसान ने उठेंगे तो मोहम्मद के दिफा के लिए हम उठेंगे। अब इसको किसने बताया? दीनी मदरसे में कुरान पढ़ के आया है, हदीस इसने पढ़ी है, तबलीग में चिल्ला लगाया है इस कुत्ते ने, कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा है, कौन से मकतब में पढ़ा है, किसने इसको बताया है? मेरे आका ने और अफान ने अलग जिक्र रखा, दुनिया सारी को बता दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा नबी कौन है, मेरे प्यारे कौन है। यहाँ तक कि इब्राहिम इब्न आदम को तो दरख्त भी पुकारते, अनार के दरख्त ने पुकारा, इब्राहिम अगर आपने हमारा फल तोड़ लिया और खा लिया तो हमें फख्र होगा। अब इस दरख्त को किसने बताया कि ये अल्लाह का वली है? दरख्त को किसने बताया कि ये नेक है? हर चीज़ को तारुफ है, तारुफ नहीं है तो मुझे और आपको नहीं है। हमें तारुफ नहीं है, हमें पता नहीं है हमारा नबी कौन है। हदीस में आता मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब ताइफ में गए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, फरमाते हैं अल्लाह के महबूब जब बैठे, पहले तो लड़की मुज़ाकरात के लिए भेजी, हज़रत मौलाना सईद अहमद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, अब वो मुसलमान हो गई, उसका पर्दा नहीं था, मेरे नबी ने पर्दा कर लिया। आज दौर में अगर औरत बेहया हो गई है, वो पर्दा नहीं करती, तो तुम नज़रें झुका लो, झुका लो नज़रें। कुरान ने सिर्फ खाली औरतों के लिए नहीं कहा, ईमान वालों को भी कहा है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों तुम आंखें झुका लो, आंखें बंद कर दो। जहाँ पे औरतों का आना जाना है वहाँ पे अपनी आमद और रफ्त कम कर दो, रोक दो। इस नज़र से हमने अपने अल्लाह को देखना है, इस नज़र से हमने अल्लाह के हबीब को देखना है, इस नज़र से हमने अम्बिया को, अम्बिया अल्लाह को देखना है। यह नज़र ना पाक, कैसे पाक अल्लाह और पाक अम्बिया को हम देख सकेंगे? नहीं हो सकता है। सबसे पहले नज़र पाक करो, लाडले मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी। नज़र पाक, नज़र पाक कुछ नहीं होता है। दूसरे की माँ को, बहन को, बेटी को देखने से कुछ भी नहीं होता है। तकते रहोगे, देखते रहोगे, कुड़ते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। नज़र से कुछ नहीं होता है। बहुत से नौजवान स्कूलों के दरवाजे पे, दीनी मदारस, बनात मदारस के दरवाज़ों पे खड़े हो जाते हैं कि छुट्टी होगी, यहाँ से लड़कियाँ निकलेंगी और इन्हें देखेंगे। कुछ भी नहीं होता है, देखते रहेंगे, तकते रहेंगे, नज़र ख़राब, दिल ख़राब, अमान जाए, अल्लाह को नाराज़ कर दिया, मिला कुछ नहीं है, खाली वापस आया है, कुछ नहीं मिला है। तो खैर, अगर हम कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह यूँ करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं फिर उन्होंने कुत्ते भेजे, ओबाश लड़के तो बाद में तीसरे नंबर पे भेजे, दूसरे नंबर पे उन्होंने कुत्ते भेजे। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के महबूब खड़े हो गए, मेरे नबी ने यूं दोनों हाथ बुलंद किए। मौलाना सईद अहमद दहलवी लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पैगंबर ने यूं हाथ बुलंद किए, अय्युहल कलाम अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस यूं जुमले कहे, फरमाया ऐ कुत्तों मैं अल्लाह का महबूब रसूल मुहम्मद हो, और मैं कुत्ते वापस हो गए। अब इनको किसने बताया कि मुहम्मद कौन है? कुरान ने फरमाया अल्लाह का जिक्र रख, जिक्र को, तारुफ को अल्लाह ने यूं बुलंद किया है। गुस्ताख भी आए हैं दुनिया में, गुस्ताख भी आए हैं भाई। गुस्ताख रसूल की सिर्फ खाली एक सज़ा है, एक सज़ा है,
क्यों नबी की गुस्ताखी करने वाले को माफ करने का हक किसी को हासिल नहीं है। नहीं समझे, उसकी सजा इसलिए है कि इसे बस वजब अल कत्ल, इसके गर्दन उड़ा दो। इसलिए हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि गुस्ताख़ रसूल की क्या सजा है, तो हजरत ने मस्जिद नबी में बैठ के फरमाया कि गुस्ताख़ रसूल की सिर्फ खाली एक सजा है कि वजब अल कत्ल है, उसको कत्ल करना है बस, उसकी माफ़ी नहीं है। क्यों कि मेरे नबी के गुस्ताख को माफ़ करने का हक किसी को हासिल नहीं है। माफ़ करेगा कौन? अब दुनिया में हमारे नबी का सबसे पहला गुस्ताख वो नबी का चचा अबू लहब है। जब आलल ऐलान मंदिर आशीरत अल्लाह करबीन कुरान की आयत उतरी क्या आलल ऐलान तबलीग करें, नबी अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी पे गए और ऐलान फरमाया, जो अरब का दस्तूर था जिन कलिमात से कौम को बुलाया जाता था, अल्लाह के महबूब ने वो कलिमात बुलंद की, सारे इकट्ठे हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पहले वो सादिक मानते थे, अमीन मानते थे और तहे दिल से मानते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें इत्तला दूं कि पहाड़ी के पीछे दुश्मन है, मान लोगे? मान लेंगे, मान लेंगे, हम यकीन कर चुके हैं अन्ना का सादिक। जब रब तो मेरा रहा, हमने आपका तजर्बा किया है कि आप सादिक ही हैं, आप अमीन ही हैं, हम मानने गए। पर उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है, अगर कलमा पढ़ोगे, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इस पे अबू लहब उठाओ, नाउज़ बिल्ला उसने ये कलिमात कहे तो बन का लिहाजा जमा करना, हालांकि आपने हमें इसलिए जमा किया तो अल्लाह को नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई, कुरान की आयत पूरी सूरत उतरी तब बदजदा अबी लहब मतब, पूरी कुरान की सूरत अल्लाह ने उतार दी है और उसको दुनिया में सजा दी। ताऊन की बीमारी में मुबतला किया, यहाँ तक कि घर से बाहर इसे फेंक दिया गया बाहर एक मकान में। रिवायत में आया है कुत्ते की तरह इसको रोटी डालते थे अपने बेटे। जब वहीं पे कुत्ते की मौत मरा है, फिर मजदूर मजदूर बुलाए और उन्हें उजरत दे के पैसे दे के लकड़ियों से अपने बाप की लाश को उठवा के वो गढ़े के अंदर फेंक दिया है। ये दुनिया की सजा है, आखरत में क्या होगा? गुस्ताख़े रसूल की ये दुनिया की सजा है और इसके बेटे ने, दूसरे नंबर पे इसके बेटे ने गुस्ताखी की थी जिसका नाम औतबा था। अब ममानत से पहले, हुरमत से पहले मेरे नबी ने दो साहबजादियाँ अबू लहब के दो बेटों के निकाह में कर दी थी। इस्लाम आया, नबूवत आई, ऐलान हुआ तो अबू लहब ने कहा कि जाओ तुम मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक दे के आओ। तो उत्मा गया और मेरे नबी को यहाँ से पकड़ा और यूं झंझोड़ा। हदीस में आता है पैगंबर की मुकद्दस कमीज मुबारक फट गई और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के उस चेहरे पे जिस चेहरे की वज़ुहा अल्लाह ने कस्में उठाई थोक दिया। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है, बद्दुआ दी है अबू लहब के बेटे को, या अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पे मुसल्लत कर दे। अल्लाहुम्म सल्लत अलैहि कल्बुम मिन अल-कलब, या अल्लाह इस पे अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अब उन्हें अंदर मानते थे इसकी अबू लहब इतनी हिफाजत करता, जहाँ जाते कहते हैं इसकी हिफाजत करो, मोहम्मद ने इसको बद्दुआ दी है, पता था
आदमी कीमती है। जिद्दत भी कभी आदमी को खा जाती है। जिद्दत, तासुब, हसद, दिल में पता होता है फलां आदमी नेक है, फलां बड़ा शेखुल हदीस है, फलां बड़ा मुफ्ती है, फलां बड़ा है, कहते हैं मैं भी तो बड़ा हूँ। यह जिद्दत आदमी कभी खा जाती है। सब सरदारों को मेरे नबी से यही तासुब था और कुछ नहीं था, मानते थे सच्चा है जो कलाम पढ़ता है सुनाता है वो भी सच्चा है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसे हुआ, जब शाम के सफर पे रवाना हुए तो जहां जहां पड़ाव करते थे एक जगह पड़ाव किया तो अबू लहब ने कहा सब सवारियों के ऊंटों के पालान इकट्ठे करो और बहुत बड़ा ढेर लगाओ, इस पालानों के ढेर के इर्द गिर्द हम सोएंगे, ऊपर ऊपर मेरा बेटा उतबा सोएगा। अब रिवायत में आया है ये सो गए, नींद अल्लाह के कब्जे में है, हमारे हाथ में तो है नहीं, न गोलियों में नींद है। मेरा अल्लाह नींद दे तो बाहर रोड पे तालिब इल्म को सुला दो, किक्के मारते रहो नहीं उठेगा। मेरे अल्लाह की मर्जी है ना, सुलाने पे आया तो साहब का हमको 300 साल से ऊपर सुला दिया है, मारा नहीं है सुला दिया है। सला समयातिन सिनीना वज़दादू तिस्सा, कुरान कहता है वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन वज़ातल शिमाल, दाएं बाएं करवटें कुरान कहता है हम बदलते रहे उनके, पर अल्लाह की मर्जी है। नींद तारी कर दी, शेर आया रात को, रिवायत में आया हर एक आदमी को सूंघता गया, किसी को कुछ नहीं कहा, एक को दूसरे को पालानों के इर्द गिर्द इहाते पे गोलाने में जितने भी आदमी सोए पड़े थे सब कुछ सूंघा, किसी को कुछ नहीं कहा, छलांग लगाए ऊपर गया, ऊपर गया, सूंघा है, सूंघ के बैठ गया। और मैं जो तारुफ अल्लाह ने कराया है मालूम यूं होता है यही आदमी है, फिर सूंघा फिर बैठ गया, तहकीक कर रहा है ना, पुख्तगी कर रहा है, फिर सूंघा का पुख्तगी हो गई है। अब गुस्ताख रसूल की सजा के लिए अल्लाह ने खिदमत न मुझसे ली न आपसे ली, जंगल के दरिंदे से ले ली। दीन की खिदमत लेने में मेरा आका हमारा मोहताज नहीं है, नहीं है हमारा मोहताज नहीं है। कर लो, थोड़ा वक्त रहता है, कर लो इतना हो सके, कर लो जितना हो जाए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, घुमंड में नहीं आओ, इतराव नहीं, मैंने दीन का फलान काम किया है, ना ना, या अल्लाह तेरा करम हुआ, तू तो दीन की खिदमत मकड़ी से ले तेरी मर्जी है, कबूतरी से ले तेरी मर्जी है, कुत्तों से ले तेरी मर्जी है, शेर दरिंदों से ले तेरी मर्जी है, हमारा मोहताज तो नहीं है दीन की खिदमत में, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, हजरत दो चार बातें करेंगे, फिर उसके बाद मुराकबा होगा, फिर उसके बाद हजरत दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आज की हमारी महफिल इंतहाई बाबरकत है, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, वो हजरत हमारे पास उसकी शिरकत ही हमारे लिए बस काफ़ी है। आखिर में बात यह है कि हमने आपकी रुकनियत की है, रुकनियत का मतलब ये है कि कौन कौन ख़त्म नबूवत के काम में हिस्सा मिला रहा है, कौन कौन ख़त्म नबूवत में माली हिस्सा मिला रहा है, जानी हिस्सा मिला रहा है, जज्बात मिला रहा है, तो उसकी हमने रुकनियत की है। तकरीबन साथियों को हमने अपनी अपनी पर्ची दे दी है, जिन साथियों को नहीं मिली है और बहुत से साथी रह भी चुके हैं, हमें महदूद कापियाँ दी हैं, वो ख़त्म हो गई और कापियाँ नहीं है, फिर जो साथी रह गए उनकी फिर अगले साल कर लेंगे, भाई इस पे हमें गली नहीं मिलेगी, इस पे हमें पोल तार मीटर ट्रांसफार्मर फंड पैसे मैसे 10-20 हज़ार कुछ नहीं मिलेगा, इस पर्ची का
मकाम रुतबा कदर हमें आखरत में पता चलेगा। इस पर्ची का मतलब ये है कि ये फलां बंदा अल्लाह के महबूब का सिपाही है, ठीक है, ये सनद है कि फलां आदमी अल्लाह के महबूब का सिपाही है। हमारे अमीर से सुना रहे थे जब हम गए थे, हजरत ने सुनाया कि जब हजरत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में रुकनियत हो रही थी तो इस वक्त हदिया रुकनियत हजरात ने उलमा ने 10 रुपए रखे। कितने रखे? क्योंकि पैसा तो मकसूद है नहीं, 10 रुपए तो बच्चा भी नहीं लेता है, तो ये भी ना घबराएं कि 10 रुपए लेगा। 10 रुपए मैंने सबके दे दिए, ठीक है, सबके दे दिए हैं, लेने की ज़रूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हिस्सा मिलाते रहते हैं। तो उस वक्त रुकनियत का 1 रुपया था, रुकनियत का हदिया कितना था? 1 रुपया। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रुकनियत कर रहा था उसको उस दौर में 20 रुपए दे दिए। क्या दे दिए? कहा 20 रुपए ले लो, 20 साल के लिए मुझे अल्लाह के नबी का मुजाहिद खत्म नबूवत का रुकन बना दो और मुझे पर्ची दे दो। जब पर्ची दे दी तो घर वालों को वसीयत की कि ये पर्ची जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख लो, मेरी बख्शिश के लिए ये काफ़ी है, बस मैं अल्लाह को दिखाऊंगा कि या अल्लाह मेरे पास हकीम उल उम्मत फरमा रहे हैं, हालांकि आलिम भी है, फाजिल भी है, हकीम भी है, अल्लाह वाला भी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं जिन्होंने किताबें इतनी लिखी हैं शुमार से बाहर हैं, तो वो फरमा रहे हैं दिन क़यामत में अल्लाह को दिखाऊंगा कि मैं ख़त्म नबूवत का गोया कि जियाला था, मुजाहिद था, पैगंबर का सिपाही था, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये मेरे पास पर्ची है ख़त्म नबूवत के, अल्लाह बख्श देगा। क्योंकि बहाना होता है ना, जिस तरह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक वक्त में हज़रत खुतबा इरशाद फरमा रहे थे मस्जिद नबी में, खुतबा दे रहे थे, तो जब खुतबा दे रहे थे बाहर गली में, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फारूक आज़म के बेटे सैयदना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बच्चे भी यूं खेलते खेलते आ रहे थे, वो भी मस्जिद में, तो सैयदना अली बिन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्ज़ंद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चों को कहा, ये जो अमीरुल मोमिनीन है ना खुतबा दे रहा है, ये हमारा गुलाम है। क्या फरमाया? ये हमारा गुलाम है। आ गए, जुमा हो गया, वाज हो गया, जब रात हुई तो हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप को बताया, अबू जी जब आप जुमा पढ़ा रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये खुतबा देने वाला हमारा गुलाम है। छोटे बच्चे बताते हैं ना घर में बात, वालिदैन को बता देते हैं, उसने ये कहा है, तो फारूक आज़म चुप उठे और फरमाए, बेटा जाओ और उसको कहो कि हमारा अब्बा कहता है कि तूने ये जो जुमले कहे हैं कि ये आदमी जो मस्जिद में खुतबा दे रहा है उमर इब्ने खत्ताब, ये हमारा गुलाम है, ये लिख कर दे दो। क्या कर दो? लिख कर दे लो। हजरत अब्दुल्ला दौड़ते हुए गए, कहा हुसैन मेरा अब्बा अमीरुल मोमिनीन कहता है जो तूने गली में अल्फाज कहे थे कि ये हमारा गुलाम है, ये लिख कर दे सकते हो? कहा लिख कर देता हूँ। लिख कर दे दिए। फारूक आजम ने हजरत अब्दुल्ला को फरमाया, अब्दुल्ला ये पर्ची हजरत इमाम हुसैन की लिखी हुई है। इमाम हुसैन तो मैं कहता हूँ, उस वक्त तो हजरत हुसैन थे ना, तो खैर सैयदना हजरत हुसैन की लिखी हुई है, इसको संभाल के रखो, जब मैं फौत हो जाऊँ तो मेरे कफन में रख देना, मैं अल्लाह को दिखाऊंगा मेरे अल्लाह फारूक के पास और कुछ नहीं है, इमाम हुसैन की लिखी हुई पर्ची है, मैं नबी के घराने का गुलाम हूँ, मुझे बख्श दो। हीला होता है छोटी से छोटी नेकी को। हम तो बस पश्तों में पाठ कहते हैं, हम तो पाठ हैं ना, फूले हुए हैं कि बस जी बस सारा कुछ बन चुका है, कुछ भी नहीं बना है, क्या मत मुश्किल है,
कबर बहुत मुश्किल है। जट लोग आदन ना आसन कबरां ते पोसा ना, फिर पता चलेगा कोई गया है आकर बताया है, किसी रिश्तेदार ने आकर किसी को बताया है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लटका हुआ हूँ, जहन्नम है, जन्नत है, मरे दे पान कूटे दे पान, कोई पता नहीं है। और दफन करके 3 दिन बैठ गए, फातिहा खानी हो गई, बस चावल मावल हो गए, बस उनकी खैर तसादी की खैर, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। इसलिए तो हजरत थानवी को ये रुकनियत की पर्ची प्यारी, उनके दिल में कदर था। अरकारी से ये भी सुना रहे थे कि एक आदमी ने अपनी रुकनियत की तो उसके ख्वाब में रात को फौत शुदा नाना आया। कौन आया? फौत शुदा नाना आया। तो उसने कहा, बेटा मुझे नबी का रुकन नहीं बना है, मेरी पर्ची भी कटवाओ ना, मेरी पर्ची। मरहूमीन क्या करते हैं, तड़प रखते हैं कि हम नबी के मुजाहिद बन जाए। तो जिन हजरात ने पर्चियाँ दी हैं तो उस तक पहुंच चुके हैं, पर्चियों को संभाल के रखो, इसको कीमती खजाना समझो। इंशाल्लाह इसकी वजह से अल्लाह हमें बख्श देगा, कतरा कतरा जमा करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ होगा ना। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। कतरे कतरे को जमा करेंगे, कतरे कतरे को हाथ से नहीं जाने देंगे, तब तो होगा। दुनिया हम जमा करते हैं, कहते हैं रुपया रुपया जमा करो, नहीं लगाओ सही जगह पे लगाओ, मुश्किल दौर है, महंगाई का दौर है, आगे पते क्या होगा। तो आगे कब्र में पते क्या होगा, मैदान हशर में पता क्या होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है। और दूसरा, अगले हफ्ते, आज मंगल के दिन है ना, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मंगल के दिन हमारा जलसा भी है, तलबा की दस्तारबंदी होगी, 5-6 तालिब इल्म हैं, उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है तो उनकी दस्तारबंदी होगी। बाहर से हमारे आए आने वाले मेहमान हजरत मौलाना अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद कासमी साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो मकामी उलमा भी होंगे। जहर को जलसा होगा 1 बजे, जहाँ पर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, तो नमाज के बाद इंशाल्लाह जलसा शुरू हो जाएगा, असर से पहले पहले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इतनी ज़्यादा उलमा नहीं, बस सिर्फ खाली एक ही बाहर से मंगाया है ताकि मुख्तसर बात हो जाए, हमारे दिलों में उतर जाए। अब इंशाल्लाह हजरत साहब कुछ बातें फरमाएंगे, उसके बाद मुराकबा होगा, दुआ होगी। और जिन हजरात ने रुकनियत की पर्ची नहीं ली है तो चंद महदूद हजरात हैं, उनकी पर्ची हमने काटी, हमें चंद कापियाँ मिली थी। बहुत से हजरत मुझे नज़र आ रहे हैं उनकी हमने पर्ची नहीं काटी है, वो कापियाँ ख़त्म हो गई और कापियाँ नहीं दे रहे थे। और ये भी फरमाया था कि अगर कोई औरत ख़त्म नबूवत के साथ तआवुन करती है और दिलचस्पी लेती है तो उसकी रुकनियत भी करो। औरत ने भी तो कब्र में जाना है ना, औरत ने भी तो अल्लाह को हिसाब देना है ना। औरतें हमसे ज़्यादा जज्बात रखती हैं दीन में। बिलफर्ज कोई औरत तआवुन करते हैं हर महीने, मेरा हिस्सा मिला। कोई औरत ख़त्म नबूवत का जलसा होता है रोटी पका के देती है, मेरा हिस्सा मिला दो। कोई औरत क्या हिस्सा मिलाती है, कोई क्या हिस्सा मिलाती है। तो ऐसी औरत की रुकनियत भी जिन्होंने इस मोहल्ले में ओके, तो ऐसी चंद औरतों का रुकनियत भी हमने कर दी है ताकि इनका नाम भी शामिल हो जाए। क्योंकि हजरत हाजी बांक रहमतुल्लाह अलैह जब अब्दुल हक कादियानी ने नबी की गुस्ताखी की थी ना तो घर आ गया था, जब घर आया था तो औरतों ने कहा कि ये तो आवाज़ लाउड स्पीकर में आ रही थी, ये कौन मौलवी था, इसने तो हमारे नबी की गुस्ताखी की है। तो हाजी अब्दुल हक ये अनपढ़ था, आलिम नहीं था, हाफिज भी नहीं था, कारी भी नहीं था, कुछ भी, सिर्फ खाली हाजी था। तो इसने कहा हाँ हाँ इसने गुस्ताखी की है तो हम उठ के चले आए। तो घर वाली ने कहा उठ के आया क्यों है, अपनी जान को तूने बरवाया क्यों नहीं है हमारे नबी की गुस्ताखी। आज घर में या तू रहेगा या मैं रहूंगी, मुझे तलाक करो। लोग दुनिया पे तलाक लेते हैं, मैं अपने नबी की गुस्ताखी पे तुमसे तलाक लेती हूँ कि तू उस मजमे में था और तू उठा क्यों नहीं है, नबी का मुजाहिद क्यों नहीं बना है। उसने गुस्ताखी की है, उसको पकड़ना था, उसे मारना था, जिंदा आए क्यों हो। अब्दुल हक फरमाते हैं
आज से फरमाते हैं मैंने बीवी के सामने हाथ जोड़े, कहा बस तूने मेरे जज्बात बुलंद कर दिए हैं, इंशाल्लाह तू आज की रात आराम से गुजार, फिर सुबह बात करेंगे। कहा सुबह सवेरे मैं निकला, सवेरे मैं निकला तो देखा अब्दुल हक अपनी आबादी से बाहर निकल के वॉक कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, दौड़ रहा था। मेरे पास और कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ खाली कुल्हाड़ी थी। क्या था? कुल्हाड़ी थी, कोई पिस्टल वगैरह बंदूक कुछ भी नहीं था, कुल्हाड़ी थी। तो दूर से मैंने आवाज़ दी, अब्दुल हक मुस्ताखे रसूल, अल्लाह के नबी का मुजाहिद पहुंच चुका हूं, संभलना है संभल जाओ। मैंने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, वार किया, वार किया, उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके कुल्हाड़ी उठा के सीधा थाने पे पहुंच गया कि अब्दुल हक कादियानी का कातिल मैं हाजी माँ को, मैंने उसको मारा है। कहा उस वक्त थानेदार वो दीनदार था, कभी कभी कोई होता है। उसने कहा हाजी माँ को बैठ जाओ, तुम खुद आए हो, लेकिन मेरा कलम मेरा दिल जुर्रत नहीं करता कि मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करूं। अगर दर्ज करता हूं तो दिन क़यामत में अल्लाह के महबूब को क्या मुंह दिखलाऊंगा, मैं तो दर्ज नहीं करता, तुम्हें मैं अपने कमरे में बैठाता हूं। आओ, इतने बड़े मुजरिम को बैठाता कोई नहीं, अपने कमरे में तुझे जगा देता हूँ, बैठाता हूँ, आओ बैठ जाओ। तो वो आएंगे, इत्तला करेंगे, ऊपर इत्तला करेंगे, ऊपर अफीसर जाने तुम जानो, मैं कुछ नहीं लिखता, मैं किसी को कहता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, मुझे अपनी कब्र आखरत प्यारी है, मैं अपनी नबी को क्या मुँह दिखाऊंगा। हजरत हाजी मांग फरमाते हैं जब मेरा मुकदमा चला तो मुझे वकला ने कहा कि आप बयान में थोड़ा तरमीम कर दें तो हम कुछ काम कर लेंगे, इंशाल्लाह आप बरी हो जाएंगे। हाजी मांग ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, दीनी तालीम भी नहीं है, मैं हाफिज कारी आलिम कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने अब्दुल हक को मारा है थाने जेल में आया हूँ, मुझे अल्लाह के नबी की 8 मरतबा ज़ियारत हो चुकी है, अल्लाह के नबी की 8 मरतबा ज़ियारत हो चुकी है। मुझे अपने नबी ने कह दिया है हाजी साहब परेशान न होना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी वकालत कर रहा हूँ, परेशान न होना, तेरी वकालत मैं खुद कर रहा हूँ। हाजी बांग फरमाते हैं जब मेरा मुकदमा चला, जज के सामने गया तो उस वक्त मुलजम से भी बयान लिए जाते थे, मुझसे बयान लिया तो मैंने साफ साफ कहा, मैंने कहा मैं अच्छी तरह होश में था, अब भी होश में हूँ, उस वक्त भी होश में था, ज़िंदगी में इतना होश में नहीं था, जिस दिन मैंने इसको मारा उस दिन बड़ी अच्छी तरह होश में था। जज ने लिख दिया कि इसके नबी की गुस्ताखी हुई है, हाजी मांग का अकल काम छोड़ चुका है, एक पागल है, ये रिहा है, रिहा कर दिया है। कहता है मैं वापस आया, मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया है, मुझे नबी ने ख्वाब में फरमाया था कि मैं तेरी वकालत कर रहा हूँ, हाजी मांग साहब तू बरी हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसी औरतें, ऐसी औरतों के बारे में भी फरमाया है कि ये भी ख़त्म नबूवत के रुकन बने, जिसके दिल में अल्लाह उसके महबूब की तड़प हो उसको भी बनाओ। तो ऐसे और बहुत से साथी हमारे रह चुके हैं, तो इंशाल्लाह फिर अगले साल आप कोशिश करें, याद दिलाएं, नाम लिखवाएं, तो रुकनियत कर देंगे। पर्ची से क्या होता है, अगर ये पर्ची होगी, एक पर्ची से हमारी मफ़रत हो जाए तो, यानी देखना हजरात ने उसके नीचे हदिया रुकनियत सिर्फ खाली 10 रुपये लिखे हैं, और 10 रुपये तो साल सबके मैंने दे दिए हैं, तो ये मैंने भी अपने आखरत का हिला किया है, तुम पे मिन्नत नहीं लगाई है। तो एक पर्ची अगर हम घर में रख लेंगे, कफन में साथ नबी चले, तो हम कब्र में कह सकते हैं मेरे आका हम खत्म नबूवत नबी के बुलाए थे, बस हमारी बख्शिश हो रही वो करीब आका है। बात लंबी हो रही है, मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ, अगर तशरीफ़ लाते हैं तो हजरत दो चार बातें हैं इरशाद फरमाएंगे, हजरत के बोल हमारे लिए मोती हैं, तो हजरत दुआ भी फरमाएंगे।
अल्लाह पाक का हमारा खसूसी कर एहसान है कि उसने अपने दरमियान की तोफीक अता फरमाई और आज नबी के मुताबिक फरमाया और कल नबी के मुताबिक फरमाया और कितने इंसान है, हर वो इंसान है, लेकिन हर इंसान बगैर कलमे के जा रहे हैं। तो ये हिदायत का मिलना अल्लाह पाक के फजल से है। और फिर अल्लाह पाक ने हमें अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई, ये उसका ख़ास करम है। अल्लाह पाक की तौफीक शामिल ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। मसलन इंसान की इरादे से नहीं होता है, अल्लाह पाक के कर्म से होता है। हम वाकियात जब पढ़ते हैं कुरान शरीफ में, उसके वाकियात हैं कि ऐसे ऐसे लोग कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी दौलत आ जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, फिर हम अल्लाह के रास्ते में खैरात करेंगे। तो मना फरमाया, लेकिन उसने जब इसरार किया और वो दौलतवान हो गया तो उसके लिए दौलत की वजह से मस्जिद में आना, नमाज के लिए आना मुश्किल हो गया। और फिर वो मदीने से बाहर निकला और उसके जान और बढ़ते गए। लेकिन फिर ऐसे इंकार आया कि जब जक़ात आ गई, जक़ात से इनकार किया और बाद में फिर वो देना चाहता था अल्लाह के रास्ते पे, लेकिन पैगंबर ने कबूल नहीं किया, हज़रत बकर ने कबूल नहीं फरमाया, हज़रत उमर ने कबूल नहीं फरमाया। तो हर चीज़ जो होती है अल्लाह पाक की फसल से होती है। और अल्लाह पाक ने हमें इस नबी दिया है कि हमारी नबी की बशारत हर मजहब में है। मेरे पास इंग्लैंड से हमारा एक दोस्त है, कैदिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड से उसके मन कोई कागजात फैक्स किए, उस वक्त ये फैक्स था। तो जो मैंने पढ़े, बाद में अखबारों में एक आया था, तो हिंदू मज़हब में ये कल की अवतार वो एक टॉपिक है हिंदू मज़हब में, उसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा शख्स आएगा जो तमाम दुनिया के लिए जो होगा वो तमाम दुनिया का रहनुमा होगा, तमाम इंसानियत का रहनुमा होगा। और उसके वालिद का नाम अल्लाह का गुलाम और उसकी वालदा का नाम अमन वाली पाक दामन होगा। और वो वतन से निकाला जाएगा और फिर वो 8 साल के बाद अपने वतन की तरफ लौटेगा और 10,000 फौज होगी और अपने वतन को फतह कर लेगा। और उसकी जो गजा होगी वो जौ और खजूर होगी और तीर और तलवार से वो तमाम दुनिया को फतह करेगा। और अल्लाह पाक उसको ऐसी सवारी दे देगा कि वो तमाम कायनात का चक्कर लगा लेगा। तो हिंदू अभी तक उसके इंतज़ार करते रहे कि जी ऐसा शख्सियत आएगा। बाद में अपने उनके जो हिंदू के मजहबी रहनुमा होते थे, उन्होंने कहा कि जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो तो 1400 साल पहले गुजर चुका है और ये तो पैगंबर से गुजरे हैं। तो हर नबी ने, मूसा अलैहि सलाम ने हमारी नबी की कि मेरी मानिंद हो, मेरा भाई आएगा, मेरे मानिंद होगा। तो अब मूसा अलैहि सलाम और नबी कुत्सल की ज़िंदगी को देखते हैं तो मूसा अलैहि सलाम अपने वतन से निकाले गए थे,
हमारे नबी सल्लम अपने मत से निकाले गए। मुसालाम की वो जो टक्कर थी एक ख़ास क़ुत के साथ थी, मतलब फिरौन के साथ। पैगम्बर सल्लम की जो टक्कर थी मतलब पूरे ये कसरा कैसर किसरा और कुरेश के जो सरदार थे उनके साथ, ठीक है ना, उस उनकी भी शादी थी, उनकी औलादी थी, नबी सल्लम की औलादी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम लेकर दी बताया कि मेरे बाद मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। तो हर मतलब बुद्ध मत वाली किताबों में जो है और ये हिंदू किताबों में तो हमारे नबी की जो पैदाइश का टाइम है वो भी बताया है कि जी हमारे यहाँ इशराक का टाइम होगा हिंदुस्तान में, वहाँ पर जो सुबह सवेरे का टाइम होगा, इतना तफसील से बताया है। तो ऐसे और हर मजहब वाले जो आप दुनिया में जाएं, ये हम थाईलैंड में थे तो हर मजहब वाले का उनको पता है। थाईलैंड में उनका एक बहुत बड़ा अस्पताल था, एक शहर था स्किन का अस्पताल था। तो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जल्द अमराज वाले होते हैं वो 12 दिन तक उसके इलाज करते हैं, 12 से 14 दिन तक। अगर उस इन दिनों में उन पर कोई दवाई असर ना करे तो फिर उनको कहते हैं कि तुम मुसलमानों की मस्जिद में जाओ और वहाँ पर जो लोग हुए उनसे दम कराओ। तो एक दिन हम बैठे थे वहाँ पर, एक जोड़ी आई तो मैं बीवी थी, छोटा बच्चा था। तो मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना से यहाँ पर कोई जोड़ी आई है तो मुझे उस इलाके के नहीं लगते हैं, ज़रा देख लो कब उठाए। तो चूँकि वो तो कह रहा था कि डॉक्टर ने उसका ना इलाज किया था, डॉक्टर ने कहा था कि मुसलमानों के पास जाओ और उनसे दम कराओ। तो फिर हमने जो देखा वो बच्चे के तमाम जल गया था, तमाम जख्म बिल्कुल ठीक थे, जलने का निशान नहीं था। और मौलाना ने कहा कि आज तो भाई दम नहीं करूँगा, ये हमारे दूसरे मेहमान आए ये दम कर लेंगे। तो ये ईसाई आ जाते मुसलमानों के पास कि जी ये हमारे लिए दुआ करो। ईसाइयों को पता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, मुसलमानों की दुआ में ज़्यादा असर आए। बुद्ध मत वाले जो है बुद्ध वहाँ थाईलैंड में मस्जिद को अजीब गरीब नाम दे रहे थे वो अपनी ज़बान में। तो मैंने उनको कहा कि ये जो मस्जिद को बोलते हैं ये इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है सबसे बड़े का घर। तो कहते हैं कि जो मस्जिद का मालिक है सबसे बड़ा है। और वो उन्होंने ये मशहूर करा रखा था कि अगर तुम ये चाहते हो ना कि मुझ पर मैं अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाऊँ तो इस जो बड़े का घर है उस यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करो, उसके साथ कोई बदतमीजी करो, ठीक है ना, कोई उस पर शरारत करो ना, फिर तुम पर आसमानी आफातें आएंगी। तो ईसाई मानते हैं, हिंदू मानते हैं, हिंदुओं को पता है कि अपने मुसलमान होना है, ईसाइयों को पता है कि जी इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जो असली दुश्मन है मतलब बुद्ध मत वाले को, हम जब सफ़र करते थे तो बुद्ध मत वाले हमारे साए पर भी कदम नहीं रखते थे, इतना वो करते थे कि यार ये जो है ना ये तो अल्लाह वाले हैं, ठीक है ना, साए पर पाँव नहीं रखते थे। और जब हमारे पास गुजरते थे तो ऐसे गुजरते थे ऐसे जैसे वो बुद्ध के सामने गुजरते थे ना, जब वो उनकी पुख्ता बनाया होता हमारे सामने भी ऐसे इतना ये करते थे। तो ये ईसाई भी ऐसे, हिंदू जो थे हिंदू भी मुसलमानों से मतलब जो जितने किसी मुसलमान को देख लेते हैं तो हिंदू उनके साथ चिमट जाते हैं, हमारे लिए दुआ करो। तो जो इंसानियत का दुश्मन है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी है। और यहूदी को पता है कि मैंने जो है ना मैंने ख़त्म होना है, ठीक है ना। तो ये तमाम दुनिया में जो शरारत चल रही है यहूदियों की चल रही है और बाकी जो है आर्य को पता है कि हमारे मज़हब में कुछ नहीं है, अगर तो है तो सिर्फ इस्लाम में है। मेरे एक शागिर्द को इंग्लैंड गया था तो कहते कि एक पादरी निकला गिरजे से, तो मैंने उससे कहा कि एक तुम्हारा मज़हब है एक तुम्हारा माशरा है, तो तुम्हारा माशरा क्या तुम्हारे मज़हब के मुताबिक है। तो उसने कहा क्या नहीं, ये तमाम घूम रहा है।
मैंने कहा कि क्या तुम लोग के पास इसका कोई इलाज है? तो कहते कि नहीं, कोई इलाज नहीं है, ये इसका इलाज जो है सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। हम इसमें थे, थाईलैंड में थे, तो हुकूमत वाले लोग आ गए कि आप लोग हमारे साथ जेल जाएं और हमारे कैदियों को दावत दे दें। तो हमने कहा कि आपके कैदी जो हैं ये मुसलमान हैं? तो कहते कि नहीं नहीं काफिर हैं। तो मैंने कहा क्यों दावत दे रहे हो हमारे साथियों ने कहा? तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत, हमारा जो शहनशाह है, वहाँ शहनशाह है कोई, शहनशाह ने कहा है कि हम लाख रुपए खर्च करें इन लोगों को इंसान नहीं बना सकते। अगर जेल से दोबारा आएंगे वापस वही बदमाश करेंगे, लेकिन अगर ये मुसलमान हो गए तो ये बहुत अच्छे शहरी बन जाएंगे। तो तमाम दुनिया में ये पता है कि अगर ये है, अगर अल्लाह पाक किसी की मानता है तो मुसलमानों की मानता है, और मुस्तकबिल में किसी के मानेगा तो मुसलमानों की मान हो गया। यहूदी की कोशिश है कि मुसलमान जो है नाल्लाका वाला बन, नाल्ला की तरफ आ जाए और ना नबी की तरफ आ जाए। हालांकि यहूदी जो है जो मुसलमानों की ताबी में देखता है, मुसलमानों को उस पर इतना यकीन नहीं होता जितना यहूदियों को यकीन होता है। जैसे मकामी लुद्ध है, मकामी लुद्ध में मकामी लुद्ध का उसके किसी किताबें न ईसाई की किताब में जिक्र है, न यहूदियों की किताब में जिक्र है, और उनने मुसलमानों की किताब से जदीस में जब देखा कि लुद्ध मकामी लुद्ध पर दज्जाल कत्ल होगा, वहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, हवाई अड्डा बनाया, ऐसे हवाई अड्डा अंडरग्राउंड हवाई अड्डा है, और किसी ईसाई को किसी गैर मजहब वाले को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं सिवाय यहूदियों को। और वो कहते कि जी हमारा बुजुर्ग आएगा और मुसलमान क्या तो कत्ल होगा और हमने उसको बचाना है। ये हर कद का दरख्त यहूदी लगा रहे हैं और उनको पता है कि जी हर कद हमें जगह देगा, फना देगा, बाकी हमें कहीं फना नहीं मिलेगी। तो ये इंसानियत के दुश्मन जो है सिर्फ यहूदी है, बाकी इंशाल्लाह तमाम दुनिया ने जो है चाहे ईसाई है या मुसलमान है या बुद्ध मत वाले हैं या दूसरे मजाहब वाले हैं, तमाम के तमाम ने मुसलमान होना है और तमाम के तमाम ने एक दीन में आना है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये और ये ख़त्म नबूवत जो है, ख़त जैसे ये होता है ख़त्म नबूवत कि जैसे सोना होता है और सोने में आप मिलावट कर दे, ये पीतल वगैरह मिला देते हैं तो वो भी सोने की कीमत में बिक जाता है, और जैसे गंदम की बोरी बिकती है तो उसमें मींगनियाँ भी हो जाती है, तो मींगनियाँ भी वो और पत्थर वगैरह भी मिट्टी की डेल भी छोटे छोटे वो भी वो गंदम के या भूसे के टुकड़े वो भी गंदम के भाव बिक जाते हैं। तो ये ख़त्म नबूवत का ये है, ठीक है ना, कि बहुत बहुत बड़े बड़े अवलिया ने ये भी काम किया है, ठीक है ना, और ऐसे गुनहगार गुनहगार लोग, ठीक है ना, गए गुजरे लोग वो भी उसमें जो है वो भी मतलब वो भी पार हो जाएंगे, ठीक है ना। और कितने ख़त्म नबूवत वालों को कि जी ये हुकूमत उनके पीछे होती थी और ये चुप जाते थे, हमारे ज़माने के लोग, हमारे ज़माने ये चुप जाते थे, और जब उठते थे सुबह उठते थे तो इर्द गिर्द सांप वगैरह उनकी वो पैरा दे रहे होते थे। गुलाम गौम सरदार रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ किया है कि जब उठता था सांप वगैरह मेरे गिर्द बैठे होते थे, मेरी हिफाजत कर रहे होते थे, ठीक है ना। तो ये ख़त्म नबूवत जो है ना, ठीक है ना, और हमारी मस्जिद और हमारी खानकाहें, ठीक है ना, जितना हमारे मतलब ये मेन जो मसला है ना, ये शुक्रिया जो है ना, शुक्रिया कम है। अल्लाह पाक की इतनी नियमतें हैं कि उस नियमतों को जो मौजूदा ज़माने में हम अपने ज़माने में उसका तस्वर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी नियमतें बढ़ाई। तो जितने अल्लाह पाक नियमतों का शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है ना, अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तौफीक दी, इस मस्जिद में लाया, इस मस्जिद में बिठाया, ठीक है ना, कितने लोग हैं लेकिन हमें बिठाया है। तो भाई जितना हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह पाक खुश होंगे, और जितनी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे, ठीक है ना, और अल्लाह पाक जो है दिल मांगते हैं कि
कि हर वक्त दिल की तवज्जो जो है मेरी तरफ हो, मतलब वो ये जो है कि ये माँ, एक माँ जो सोती है तो उसकी जो मतलब जो जो जहन फिक्स होता है अपने बच्चे किस पर होता है, उस पर फिक्स होता है। तो हमारा जहन जो है ना, दिल अल्लाह पाक की तरफ फिक्स हो और अल्लाह पाक दिलों को देखता है, ठीक है ना। और कितने बड़े ये हमारे जो ये टूफी साहिबान थे, ये बीमार हो गए थे, उनमें ये तीन भाई थे, इन्होंने एक हॉलबन थी बड़ा था या दरमियानी था, वहाँ ले गए थे पेशावर में। तो डॉक्टर ने कहा कि सांस रोको, तो उसने जो सांस रोका ना, तो सांस तो उसने रोकी लेकिन वो अल्लाह अल्लाह जो जिक्र दिल से आ रहा था वो बंद नहीं हो रहा था। तो वो दूसरे सांस रोका, वो तो दिल से ज़ोर शोर से अल्लाह अल्लाह कर रहा कि वो डॉक्टर भाग गया कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो डॉक्टर के लिए तमाशा बन गया, दूसरे का मुझे यहाँ से निकालो। तो हमारा जहन जो है हर वक्त अल्लाह पाक की तरफ हो, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा अल्लाह पाक का करेंगे, ठीक है ना, वो कम है। और तमाम उसके लिए दुआएँ हों, ठीक है ना, तमाम इंसानियत के लिए दुआएँ हों, अपने लिए दुआएँ करें, ठीक है ना। और तमाम हमारे बड़े बड़े अकबरीन जो हैं उनके लिए दुआएँ हों, ठीक है ना। और जितने लोगों को हम दुआओं में याद करेंगे, तमाम की तवज्जो हमारी तरफ होगी। हमारा ये इमाम सेक्ता है बटाबाद है, दुआ करता था तो फिर वहाँ पर हमारे वो मस्जिद के पैर कब्रिस्तान था, तो कहते कि अल्लाह पाक इस कब्रिस्तान वालों को पढ़ दे। तो मैंने कहा उन्होंने से खुदा के लिए सिर्फ ये कब्रिस्तान ही, दूसरे कब्र वाले डंडे उठा कर ले आएंगे कि ये हमने क्या किया, भी याद क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा तमाम उम्मत को याद करो, तमाम जितने कलमगो गुजरे हैं ना, तमाम को याद करो। हमारे हजरत साहब का भतीजा था, तो कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ लाल माड़ के कब्रिस्तान जो है कि वहाँ जाता था, एक सभी कब्र होता था वहाँ पर मैं बैठ जाता कुरान शरीफ तिलावत करता था। तो कहते हैं एक महीना या दो महीने मैंने के सुबह सवेरे, तो कहते एक महीने के बाद दूसरे सभी कब्र से आवाज़ आई, सभी कब्र ने आवाज़ दी कि तेरे प्यू लग गए जो तू तू बह के रोजाना बह के तिलावत करता है। तो मैंने कहा कि मैडम जाल यार तेरे को बैसा, ठीक है ना। तो ये जो है तमाम इंसानियत के लिए हमारे लिए दुआएं हो, हमने दुआएं करनी हो और की दुआ में आ जाते हैं। और जितने जिस बुजुर्ग का नाम हम सुने, ठीक है ना, और हम कहते अल्लाह पाक जो आपके दोस्त हैं ना, और ये जो है जो मलाइका हमारे लिए दुआएं करते हैं, करीबीन मलाइका, तो उनको भी दुआ में याद करें। तमाम